मैंने बात की थी उससे। खाला बैठे मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मैं चाय पीने नहीं आई और मैं ज्यादा देर रुकूंगी भी नहीं। शाइस्ता आ जाएगी। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि वो आएगा, जरूर आएगा। खाला वो नहीं आएगा। आप क्यों मुझे झूठी तसल्लियां देती रहती हैं? जो तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जाने वाले लौट के कहां वापस आते हैं? मोहब्बत यकीन की मट्टी से बनती है और तुम? उसे आना ही होता तो वो जाता क्यों? अपने वालिदैन को यहाँ पे भी तो ला सकता था। बेटा वो अपने माँ बाप को राजी करके उनको लाने के लिए गया। और अगर वो ना माने तो? खाला मुझे ऐसी उम्मीदें ना दिलाएं जिनका कोई मतलब ही ना हो। बेटा तुम तो अभी से हिम्मत हार गई। खाला जिसके होते हुए मेरी हिम्मत बनी रहती थी, जब वो ही नहीं है तो मैं किसके आसरे में बैठी रहूं और क्यों बैठूं? अगर वो आ गया तो? अगर वो आ गया तो खाला मैं आपसे वादा करती हूँ, मैंने का नामा पे दस्तखत नहीं करूंगी। हाँ बोलो, क्यों बुलाया? क्यों डर लगता है मुझसे मिलने आते हुए? क्यों डरते हो लड़कियों की तरह? ये कहने के लिए बुलाया तुमने मुझे? सवार तुम्हारे घर वाले तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर रहे हैं, तुम चुप करके तमाशा देखते रहोगे? तुम्हें और क्या करूं? तुमने तो कहा था कि तुम अपनी अम्मी से बात करोगे, उन्हें बताओगे हमारे रिलेशन के बारे में। मैं जानता हूं अम्मी हमारी बात नहीं मानेगी। अम्मी बात नहीं मानेगी? यहाँ जब से तुम उस लड़की को देख के आए तुम्हारी अपनी नीयत में खोट आ गया है। तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते हो। अब आंख मिला के मुझसे बात भी नहीं करते हो। तुम्हें जो समझना है समझ लो, मगर मेरी एक बात याद रखो, जरूरी नहीं इंसान जो चीज चाहे उसे हर वो चीज मिल जाए। सना माँ बाप के भी कुछ हकूक होते हैं। कौन से हक की बात कर रहे हो तुम? जवार तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी जिंदगी पे सबसे ज्यादा हक मेरा है, क्यों भूल गए हो तुम वो सब बातें? मैं कोई पुरानी बात याद नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें लगता है मैं बदल चुका हूँ, भूल चुका हूँ, तो तुम भी भूल जाओ। मैं कैसे भूल जाऊँ जवार? तुम क्यों नहीं समझते अगर मैं तुम्हें भूल सकती, इस मोहब्बत को भूल सकती तो इस तरह मेहनतें नहीं कर रही होती तुम्हारे आगे। देखो जवार, तुम जैसे कहोगे मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, बट किसी और से शादी मत करो। तुम नहीं जाते, अगर तुम नहीं रहे मेरे साथ तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मरने मारने की बातें मजाक होती है? रोज शहर में हजारों लोगों की शादी होती है जो उनकी मर्जी के खिलाफ होती है, तो क्या सब मर जाए? इससे पहले कि हमें कोई देख ले तुम्हें चले जाना चाहिए। जवार मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तो तुम क्या करोगी? जो बात तुम अपनी अम्मी को नहीं बता सकते वो मैं जाके सबके सामने बता दूंगी। तुम बताओगे? तुम जानती हो उसके बाद क्या होगा? अम्मी मेरी शादी वहीं करेंगे जहां वो चाहते हो, मगर उसके बदले वो तुम्हें घर से बेघर कर देंगे। सना प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं नहीं चाहता कि तुम घर से बेघर हो जाओ। रात काफी हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। जवाहर सना मुझे भूल जाओ।
चाय तो मैं इन्हीं हाथों के पीता हूँ। आखिर कब तक? I think सारी जिंदगी। अंजला, अरे ये तो देखो, तुम तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा नसीबों वाली निकली। ये सेट्स देखो, तुम्हारी सास ने भिजवाए, इतने प्यारे ज्वेलरी के डिजाइन हैं। तुम रो रही हो? अच्छा, तो ये आंसू सावल के लिए बहाए जा रहे हैं। कुछ तो अकल करो अंजला, तुम जैसी ही बेवकूफ लड़कियां होती हैं जो हीरों को छोड़ के पत्थरों पे सर फोड़ती हैं। कहां बेगम जलाल और उनका खानदान, कहां वो सावल? कुछ अकल समझ है तुम्हें या बस पूरी कोरी की कोरी हो? शुक्र करो मैंने उनको हाँ कर दी, वरना सारी जिंदगी कवारी बैठी रह जाती। तुम्हें दो कौड़ी की जिंदगी जीने की आदत हो गई है ना, अब तुम बड़े घर में जा रही हो, खुदा के वास्ते वहां जाके अपनी औकात मत दिखा देना, भूल जाओ ये सब। जो वैसे ये सेट्स जो हैं असली नहीं है, आर्टिफिशियल हैं। वो बेगम साहिबा ने भेजे हैं कि तुम डिजाइन सेलेक्ट करो, वो चाहती हैं कि तुम्हारी शादी की शॉपिंग तुम्हारे साथ की जाए। अब देखो बताओ ना कौन सा पसंद आ रहा है। ये देखो भाभी, आप ही पसंद कर लें। ठीक है, मैं ही पसंद कर लेती हूँ। बेवकूफी लड़की। कमाल है, ऊपर वाला भी कैसे कैसे लोगों के नसीब खोल देता है, ऐसे बेखतरे लोगों के। इस लड़की की तो मुझे समझ ही नहीं आती है, मैं जितना इसके साथ अच्छा होना चाहती हूँ उतना ही मुझे तैश दिलाती है। तुम तो कहती थी कि वो तुम्ही से शादी करेगा, फिर ये सब कुछ क्या हो गया? मर्द की फितरत में ही बेवफाई है। लेकिन सना, मैं तो समझती थी कि तुम बहुत समझदार हो। मोहब्बत का रिश्ता समझदारी से नहीं, दिल से चलता है। अच्छा, एक तरफ सिर्फ वफा और दूसरी तरफ सिर्फ बेवफाई, तो कोई फायदा नहीं है इस रिश्ते का। और तुम्हारी अम्मी, उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने बेगम जलाल से बात नहीं की? अम्मी क्या बात करें, जब वो ही बदल गया जिसके सहारे बात करनी थी, तो बात करने का क्या फायदा? समरीन सना, वो ऐसा लगता तो नहीं था। सही कहा, ये धोखा है ना, ये हमेशा आंखें ही खाती, इसलिए मैं इन आंखों को ही बंद कर देना चाहती हूँ। समरीन प्लीज, मुझे जहर ला दो। ये तुम क्या कह रहे हो सना, तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। वो किसी और का होने जा रहा है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। गलत कह रही हो तुम, उसने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। हाँ अलबत्ता तुमने उससे जरूर मोहब्बत की, और अब एक ऐसे शख्स के लिए उसने तुम्हें धोखा दिया। वादा तुमसे किया, शादी किसी और से कर रहा है। नहीं सना, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं जवार को किसी और का होते नहीं देख सकती।
मैं मर जाना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे जहर ला दो। साना तुम उससे बात करो, तुमने उससे बात नहीं की, क्या कहता है वो? वो क्या कहेगा जिसमें अपनी मोहब्बत का इकरार करने की हिम्मत ही नहीं। तुमने भी सही कहा, मर्द की फितरत में बेवफाई, सवार नहीं करती बेवफाई। अम्मी जान जल्दी करें ना। अच्छा बाबा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चले। ये हमारे साथ जाके क्या करेगा भाई, हम हैं ना अंजला के साथ, काफी नहीं है क्या? और वैसे भी जवार को लड़कियों की पसंद के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है ना जवार, ठीक कह रही हूँ ना? जी अम्मी जान आप ठीक कह रही हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अंजला भाभी आपके पसंद का कलर पहने तो आप हमें बता सकते हैं। नहीं मुझे कुछ नहीं बताना, जो आप लोग बेहतर समझे वही ले। बुरी बात है, क्यों भाई को तंग कर रही हो? जवार हम तुम्हें जरूर लेकर चलते हैं, लेकिन अंजला की वजह से नहीं लेकर जा रहे। ऐसे मौकों पे लड़कियों के साथ अगर उनके होने वाले शोहर भी हो तो वो झिझकती हैं और अपनी पसंद बताते हुए जरा घबराती हैं, खुल के नहीं करती शॉपिंग, इसलिए। जी बेहतर अम्मी जान। अम्मी जान मुझे पता है ये आपके सामने कुछ नहीं बताएंगे, मुझे बताएं क्या बात है। अरे बताएं, ये लड़की भी ना। अरे सना अच्छा हुआ तुम आ गए। अब देखो ना, अम्मी जान अपनी होने वाली बहू के लिए शॉपिंग करना चाहती है और ये जनाब है कि कुछ बता ही नहीं रहे। आखिर दुल्हा की भी तो ख्वाहिश होती है ना कि उसके होने वाली दुल्हन उसके ख्वाब की तरह हसीन नजर आए। मुझे तो बता नहीं रहे, तुम ही पूछो, शायद तुम्हें बता दे। बता दो ना जवार, चलो उसे ना बताओ मुझे बता दो, कैसा देखना चाहते हो अपनी दुल्हन को? कम से कम इतना तो बता दे कि दुल्हन का ड्रेस कैसा होना चाहिए। मुझे बताया था एक दफा इसने। तुम्हें बताया था, लेकिन कब? अभी जब लड़की पसंद करके आए थे तो मुझे बताया था। कमाल है, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले भैया। सना को बता दिया और मुझे नहीं बताया, मैं तो आपकी इकलौती बहन हूं ना। तो फिर तुम ही बता दो क्या बताया था तुम्हें। क्यों तुम्हें शर्म आती है बताते हुए? अरे एक मिनट, तुम दोनों क्यों उलझ रहे हो आपस में? सना तुम बताओ। ऑरेंज कलर बताया था, मगर अब मैंने अपना इरादा चेंज कर दिया। मेरी दुल्हन वही पहनेगी जो वो पहनना चाहती है। मैं पहले दिन से उसे उसकी मर्जी के हिसाब से रखना चाहता हूँ। आखिर ये क्यों जरूरी है कि वो मेरी मर्जी से पहने और मेरी मर्जी से जिए, कि अपनी भी तो लाइफ हो सकती है। अरे वाह, इतने अच्छे ख्यालात, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। खैर हम अंजला भाभी से खुद ही पूछ लेंगे कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। अब से मेरा एक काम करोगे? जी बोलिए। तुम अपनी होने वाली भाभी से पूछो कि उसके होने वाले दूल्हा को किस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं शादी वाले दिन उसकी मर्जी का ड्रेस पहनूं। आखिर लड़कियों के भी तो अरमान होते हैं, उनके अरमान पूरे होने चाहिए। अरे वाह, अभी से इतनी ताबेदारी, मुझे तो लगता है कि अंजला भाभी से मोहब्बत हो गई है, है ना? मैं अम्मी को बताती हूँ। मोहब्बत करने लगे हो अंजला से? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। तुम मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहते? ये यूं कहूं जवार कि तुम्हारे पास मेरी बात का जवाब है नहीं? तुम जो भी समझो। तुम जैसा शख्स क्या जाने कि मोहब्बत क्या होती है। पूछते लो तुम, मुझे मोहब्बत के धोखे में रखा, बताओ धोखा कर रहे थे ना मेरे साथ तुम, और अब उस अंजला को पसंद करने लगे हो? जवार मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, बताओ मुझे, मेरी बात का जवाब दो। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम खुद भी नहीं।
अगर वो आ गया तो खाला मैं आपसे वादा करती हूँ मैं नेका नामा पे दस्तखत नहीं करूंगी। अंसला सना क्या हो गया है तुम्हें ये सब चीजें तो तुम्हें बहुत पसंद थी तुमने मुझे खुद बताया था कि जवान ने तुम्हें ये चीजें लेके दी हैं और तुम तो भाभी की तरफ गई थी ना क्या हुआ किसी ने कुछ कहा है तुमसे कोई बात हुई है मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है अम्मी मतलब मेरे साथ जवान की शादी किसी और से कर रहे हैं किसी तरह से मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है मेरी मोहब्बत की तोहीन हो रही है और आप पूछ रही है कि किसी ने कुछ कहा या नहीं सब मेरी गलती है मुझे नहीं पता था कि तुम उसकी मोहब्बत में इतनी आगे तक चली जाओगी तुम इन लड़कों की फितरत को नहीं जानती जहाँ इनको फायदा नजर आता है ना ये उसी तरफ के हो जाते हैं अम्मी आपको फायदे की पड़ी है मेरे सामने मेरी आंखों के सामने मेरी मोहब्बत किसी और की होने जा रही है और आप फायदे की बात कर रही है देख लीजिएगा ये जो सब कुछ हो रहा है ना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा